बैलेंस शीट ऑफ बीमार लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 इज एज फॉलोज. इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 इच फुल्ली पेड अप. 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 इच फुल्ली पेड अप. 16% बैंक लोन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सेंड्री क्रेडिटर. इनकम टैक्स पेबल. असेट में जाओगे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ऑफ बीमार लिमिटेड एज अप्रूव्ड बाय कोर्ट इज इंप्लीमेंटेड एज फॉलोज. कोई दिक्कत नहीं है. अभी पढ़ने से पहले हम लोग लास्ट की लाइन पढ़ लेंगे. क्या निकालने, क्या बनाने बोला है? प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बीमार लिमिटेड. दैट्स इट. ना जर्नल ना बैलेंस शीट, सिर्फ कैपिटल रिडक्शन. मतलब सिर्फ हमें यहां पर देखना है कि वैल्यू बढ़ी कि कम हुई. कम हुई तो कितनी कम हुई, उसके ऊपर ही फोकस करना है. ठीक है. तो सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है, फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल असेट्स आर रिटर्न ऑफ. चेक कर बेटा फिक्टिशियस असेट में कौन कौन सा है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस. और इंटेंजिबल में सिर्फ गुडविल आया. क्या है सर? गुडविल आया ना. तो देयर आर थ्री असेट्स. कितने असेट्स है सर? ये तीन असेट्स आज के बाद असेट का हिस्सा नहीं रहने वाले. तो इसकी वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? कम. प्रॉफिट की लॉस? लॉस. लॉस है तो किधर आएगा सर? डेबिट साइड. अरे समझा? ओ माय डिक्रास. गुडविल कहां पर आएगा सर? डेबिट में. क्यों? लॉस है. प्रिलिमिनरी डेबिट में क्यों आएगा? क्योंकि लॉस है. और पीएनएल डेबिट में क्यों आएगा? क्योंकि लॉस है. क्योंकि राइट ऑफ करना. क्या करना है? एक काम करो, बैलेंस शीट है ना, लायबिलिटी में लिखो क्रेडिट और असेट में लिखो डेबिट. ठीक है. वैल्यू बढ़ेगी तो असेट को डेबिट करना है ना. वैल्यू कम होगी तो असेट को क्रेडिट करना. लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी को क्रेडिट करना. लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी को डेबिट करना. रिवर्स इफेक्ट. अब यहां पे गुडविल राइट ऑफ का बोला है तो यहां पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ऐसा जात. असेट की वैल्यू कम हुई तो कहां लिखूंगा? डेबिट में. असेट की वैल्यू बढ़ गई तो कहां लिखूंगा? क्रेडिट में. लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो कहां लिखने का? डेबिट. और लायबिलिटी की कम हो गई तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट. कोई दिक्कत है क्या? हाँ है ना. श्योर. चलो ध्यान दो. फिक्टिशियस इंटेंजिबल तो आज क्या दिया? असेट रहने वाले हैं क्या? नहीं. असेट क्या निकल गए? राइट ऑफ हो गए मतलब चले गए. तो असेट बढ़ गया कि कम हो गया? कम. कम हो गया तो कहां पर आएगा? डेबिट साइड. तो टू गुडविल अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एक्सपेंसेस अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यस और नो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. गुडविल कितना सर? 1,30,000. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और पीएनएल 65,000. कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ क्या देखना है? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड. आगे देखो. इक्विटी शेयर होल्डर रिड्यूस देयर क्लेम बाय, अंडरलाइन कर बाय 30 रुपीज. तो हमको सिर्फ 30 रुपए की एंट्री मारनी है. अरे सर हमको कितने की एंट्री मारनी है? सिर्फ 30 रुपए की. कितने की एंट्री मारनी है? 30. समझा? वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गए? अरे बोलना बेटा. लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? अरे इक्विटी असेट की लायबिलिटी है. पता नहीं जी कौन सा नशा करते हो. इक्विटी असेट की लायबिलिटी है. लायबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? कम. लायबिलिटी कम हो गई तो कहां लिखना है सर? क्रेडिट. समझा? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. यस और नो? कितना शेयर? कितना शेयर? टोटल शेयर कितना पहले बता. ओ भाई साहब 9 लाख डिवाइडेड बाय 100. तो नंबर ऑफ शेयर कितना है? 9,000.
रिड्यूस बाय 30, तो 30 रुपीज से मल्टीप्लाइड कर बेटा, दैट्स इट। एक नंबर जेब में घरी घेऊन जावा, ठीक है, टेंशन घ्यायचं नाही, ठीक है, समझा इतर बस। हाँ है ना, नेक्स्ट बोल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिड्यूस देयर क्लेम टू 80 रुपीज, अंडरलाइन कर, टू नया वैल्यू है कि रिडक्शन वैल्यू है, अरे टू न्यू वैल्यू है कि रिडक्शन वैल्यू है, न्यू, टी और टू बोले तो न्यू, टी और टू बोले तो न्यू, तो बाय वैल्यू कैसे निकालेगा सर, रिड्यूस टू कितना बोला है, 100 ना, रिड्यूस टू 100 ना, नहीं सर 80, ओल्ड वैल्यू कितना, ओल्ड 100, ओल्ड वैल्यू कितना है, कहां दिखेगा, बैलेंस शीट में, ओल्ड वैल्यू 100, नई वैल्यू 80, तो रिडक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 20, समझा। प्रेफरेंस असेट की लायबिलिटी है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस, यस और नो, हाँ है ना, अभी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम आएगा तो कहां पर आएगा, क्रेडिट, समझा, अगर लायबिलिटी कम होगा प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट इज ऑन क्रेडिट साइड, या सिर्फ इतना समझो, असेट कम हो रहा है, असेट ज्यादा हो रहा है, लायबिलिटी ज्यादा हो रहा है, लायबिलिटी कम, तो यहाँ पे प्रेफरेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, यस और नो, लायबिलिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है, हाँ है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय प्रेफरेंस का नाम बोल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर बोल बेटा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 100 तो 6000, बाय वैल्यू कितना है बेटा, बाय वैल्यू, समझा, क्वेश्चन में क्या दिया था, 2, क्वेश्चन में क्या दिया था, 2, तो 80 रुपया रिकॉर्ड करना है क्या, नहीं, 20 रुपया, कितना कम हो गया, 20 रुपया, 100 से 80 हो गया, मतलब 20 रुपया कम हो रहा है, तो 20 रुपए की एंट्री आएगी ना कि 80 रुपए की, तो हमको यहाँ पे 2 की एंट्री नहीं करनी है, बाय की एंट्री करनी है, 2 दिया रहेगा, टेंशन नहीं, माइनस कर दे बेटा, ओल्ड वैल्यू में से नई वैल्यू क्या कर दे, माइनस, बाय मिल जाएगा, और क्वेश्चन में बाय दिया है तो डायरेक्टली उसकी एंट्री कर दे, क्लियर, असेट बढ़ गया कहाँ लिखेगा, असेट कम हो गया डेबिट साइड, लायबिलिटी कम हो गया, लायबिलिटी बढ़ गया डेबिट साइड, यस और नो, नेक्स्ट, बैंक वेव्ड 40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, चेक कर ऊपर बैंक लोन का इंटरेस्ट है क्या, है ना, कितना दिया सर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, यस और नो, 10,000, क्या बोलता है, माफ कर रहा हूं भैया, माफ कर रहा हूं, लायबिलिटी माफ कर रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, छोड़ दे, नहीं मालूम सर, प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना समझ में आ रहा है, वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है, समझा, हाँ है ना, वेव ऑफ लायबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है, तो कम हो रही है तो कहां जाएगा, क्रेडिट, क्या लिखोगे वहां पे सर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, यस और नो, हाउ मच, अब कितना, 10,000 है, कितना परसेंट माफ करा है सर वो, 4,000 रिड्यूस बाय, दिखा क्या, बैंक कितना माफ कर रहा है सर, अरे बेटा प्रॉफिट है कि लॉस है वो छोड़ दे, खाली ये याद रख, असेट बढ़ रहा है कि लायबिलिटी बढ़ रही है, तो वहां पे बैंक लोन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लायबिलिटी में है, लायबिलिटी वेव वो बोल रहा है, वेव मतलब माफ कर रहा है, लायबिलिटी माफ कर रहा है तो बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा तो कहां लिखना है, क्रेडिट साइड, कितना माफ, तो 10,000 का 40% कितना आ गया, 4,000, नेक्स्ट बोल, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, अंडरलाइन करो, एप्रिशिएटेड प्लस बढ़ रही है, असेट बढ़ रहा है, कहां लिखो सर, असेट बढ़ रहा है, कहां लिखो, क्रेडिट साइड, ठीक है, तो क्रेडिट में क्या लिखूंगा, बाय लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है ना, चलो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बोल कितना है, 7,55,000 अप्रिशिएटेड बाय 20, बाय बोला इसलिए डायरेक्टली कर रहे हैं सर, अरे सीधा मल्टीप्लाइड वैल्यू, मल्टीप्लाइड 1,51,000, हमको ये नहीं देखना नई वैल्यू क्या, हमें ये देखना कितना बढ़ गया,
कितना कम हो गया, बस रिडक्शन अकाउंट में वही देखना है कितना बढ़ गया कितना कम हो गया, यस और नो। आगे देखो बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर एसेट की लायबिलिटी है, एसेट की लायबिलिटी है, लायबिलिटी। अब क्या बोलता है लायबिलिटी में, रिड्यूस देयर क्लेम, रिड्यूस लायबिलिटी कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है, कहां आएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। पहले इतना समझो कि सर डेबिट में डालना है कि क्रेडिट में डालना है, यस और नो। अब रिड्यूस कम किया कितना, टू या बाय टू, तो हमको उसको बाय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना परसेंट बोला है सर 85, तो 100 माइनस 85 तो बचा कितना 15। क्रेडिटर का वैल्यू कितना है, क्रेडिटर का वैल्यू 62,000 का 15%, 62,000 का 15%, 9,000, यस और नो। रिड्यूस टू बोला था, रिड्यूस टू 85 बोला है ना, तो यहाँ पे नई वैल्यू क्या आएगी 100 माइनस 85 तो कितना है 15, यस और नो। तो हमको बाय रिकॉर्ड करना होता ना कि टू, क्योंकि रिडक्शन वैल्यू, क्या रिकॉर्ड करना है रिडक्शन वैल्यू। आगे देख बेटा, प्लांट एंड मशीनरी असेट या लायबिलिटी, अरे असेट है कि लायबिलिटी है, असेट है ना, असेट डेप्रिशिएट बोला, असेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम कम हो रहा है तो कहाँ आएगा सर डेबिट साइड, असेट कम हो रहा है तो डेबिट साइड, क्या प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, यस और नो। चल वैल्यू बोल 2,35,000। अभी क्वेश्चन में देख, टू बोला कि बाय बोला है, तो डायरेक्टली लिख, हाँ कितना आता है 58,750, यस और नो। आगे फर्नीचर एंड फिटिंग असेट की लायबिलिटी है, असेट की लायबिलिटी है, असेट क्लियर, रिवैल्यूड एट 289, रिवैल्यूड एट 289, पुरानी वैल्यू देख, पुरानी वैल्यू 3,10,000, नई वैल्यू 2,89,000, बढ़ गया कम हो गया, कम हो गया, कहाँ पे लिखेगा डेबिट साइड। अरे बात समझ में आ रही बच्चास, अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स चेक कर कितना कम हो गया सर, यस और नो, समझा। खाली क्या देखना है, कितना बढ़ गया कितना कम, असेट बढ़ा असेट कम हुआ, लायबिलिटी बढ़ा लायबिलिटी कम हुआ, और उसके अकॉर्डिंग में अपने को यहाँ पर एंट्री पास करनी है, ठीक है। स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 18%, स्टॉक असेट की लायबिलिटी है, असेट कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम, चेक कर किधर आएगा डेबिट में, स्टॉक का वैल्यू बोल 98,000 का 17,650, 98 कितना बोला 640, ओके। आगे बोल आरडीडी डेटर का वैल्यू बढ़ाता है कि कम करता है सर, आरडीडी बढ़ाता है कि कम करता है, कम करता है, तो डेटर असेट की लायबिलिटी है, असेट वैल्यू बढ़ रही की कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो कहाँ लिखेगा सर डेबिट साइड, वेरी गुड। सन्ड्री डेटर चेक कर बेटा वैल्यू कितना है, 71,000, उसका कितना परसेंट, कितना परसेंट 3, कितना आएगा क्लियर। आगे बोल बेटा, डायरेक्टर एडवांस 35,000 टू कंपनी फॉर ऑन नॉन रिफंडेबल बेसिस, डायरेक्टर ने हमें 35,000 रुपया दिया, डायरेक्टर ने हमें कितना दिया 35,000 रुपया, वो भी कौन से बेसिस पे, नॉन रिफंडेबल बेसिस पे, मतलब पैसा लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे को बता, डायरेक्टर ने मुझे पैसा दिया, मेरे पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, मेरे लिए फायदा है कि लॉस है, फायदा, फायदा है तो कौन सा साइड, क्रेडिट साइड, तो बाय क्या लिखूंगा, डायरेक्टर लोन, नॉन रिफंडेबल बेसिस बोला है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टर लोन नहीं आएगा, वहां पर आएगा बैंक, क्या आएगा सर, हाउ मच 35,000, बाजू में लिख देना डायरेक्टर लोन, डायरेक्टर
यस और नो, नॉन रिफंडेबल बेसिस बोला है, मतलब से हम दे रहे हैं, हम सिर्फ दे रहे हैं, लेना नहीं है हमें, नॉन रिफंडेबल यानी सीधा पैसा आएगा जाएगा नहीं। नेक्स्ट बोल बेटा, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, खर्चा किया, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस, लॉस इज ऑन डेबिट साइड टू बैंक 214,000 रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। बोल बेटा कितना हो गया? क्वेश्चन में और कुछ बोला है क्या? नहीं। टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट का टोटल कितना? 5,00,000, 5,89,300। डेबिट का माइनस कर दे कितना आता है? 5,89,300 में से सब डेबिट का माइनस करते जाओ, और क्या कर रहे? 5,89,300 बराबर करते जाओ, मैं आपके भरोसे बैठा हूँ। 135, सबका सही आ रहा है, मतलब ये आंसर हो गया। खत्म, सम हो गया, 15 नंबर जेब में। हाँ बेटा, 15 नंबर के लिए आया था, ठीक है। इस सम से समझ में तो आ गया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में वैरायटीज है, बट अंदर वैरायटीज के अंदर कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्यों बनाता है? या तो वैल्यू बढ़ेगी या तो वैल्यू कम, बट इस अकाउंट बनाने का मेन इंटेंशन क्या था? कितना बड़ा कितना कम हुआ, तो उसको समझने का सिंपल तरीका यह है कि पहले दिमाग में यह बैठाओ कि असेट है कि लायबिलिटी है, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो कम हो रहा है, ये दो चीजें याद रखो। तो अगर असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो डेबिट साइड लिखो, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो डेबिट साइड, लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। कितना बढ़ रहा है कितना कम, तो टू और बाय याद रखो, बाय बोला है डायरेक्ट करो, टू बोला है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। तो रिड्यूस 280, तो 100 माइनस 80 कितना हो गया? 20। अगर 85 बोला है तो 100 माइनस 85 कितना हुआ? 15। तो 15 का एंट्री आएगा ना कि 85 का, समझा? और तब जाके आपका ये आराम से हो जाएगा। और जो भी छोटा छोटा कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो, वो कैलकुलेशन आपको यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा, यस और नो। और लास्ट में जब टोटल कर दिया तो वो आपका क्या बन जाएगा? कैपिटल रिजर्व। और इस कैपिटल रिजर्व के ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, क्या मिलेगा? बैलेंसिंग फिगर। डिफिकल्टी है क्या?